तो हमें निकालनी है 1 इंच के पाइप की थ्रेड। तो ये जो मशीन है हमारे पास, ये 3 इंच तक चूड़ियाँ निकाल सकती है, 3 इंच तक इसका आखिर डाया है, तो लिमिट है इसकी। तो सबसे पहले हमने पैमाइश कर लिया है, हमें ये चाहिए है। उसके बाद हम पहले पैमाइश करने के बाद हम निशान लगा के इसको काट देते हैं। मशीन के ऊपर जो कटर लगा हुआ है इसके साथ हम काट देते हैं पाइप को, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र रहा है। इस स्क्रू को हम टाइट करते जाएंगे और ये पाइप आसानी के साथ काट गया है। तो पाइप को काटने के बाद हम देख रहे हैं कि मशीन के ऊपर जो डाई लगी है इसको नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद इसको हमने 1 इंच पर फिक्स किया है। ये 1 से 2 इंच तक के डाई की ये चूड़ियाँ निकाल सकती है ये डाई। अगर आपको 3 इंच तक, वैसे मशीन की लिमिट 3 इंच तक है, अगर आपने 3 इंच की लगानी है तो चूड़ियाँ निकालनी है तो आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी, नई डाई लगानी पड़ेगी। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हम ये आप स्लाइड करते हुए देख रहे हैं, ये डाई आगे की जानब जा रही है। जैसे हमारी चूड़ी फिक्स होगी जहाँ पर हमने फिक्स किया तो वो खुद बहुत डाई ओपन हो जाएगी। डाई को ओपन करने के बाद आपने ये ध्यान से करना है कि चूड़ियों को साफ़ कर लेना है। इसमें अगर थोड़ा बहुत कचरा होता है तो वो बाद का जॉइंट को लीक भी कर देता है। अभी हम इस पर परमाटेक्स को लगा रहे हैं। परमाटेक्स लगाने के बाद हम इस पर जूट लगाएंगे। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे धागा वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं या टेफलन का भी इस्तेमाल कर, लेकिन हम इस पर जूट लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, जूट को पीछे से आगे की तरफ लेके आना है और इसको मजबूती के साथ लगाना है। इसको थोड़ा सा नरम या ढीला वगैरह नहीं आना। ये लगाने के बाद फिर इस पर एक तय परमाटेक्स की लगा देनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे ये अभी हमारा जॉइंट तैयार हो गया है, इस पर हम टी वगैरह कोई चीज़ फिट कर सकते हैं, जैसे एल्बो वगैरह जो चीज़ भी लगानी हो हम इसको फिट कर सकते हैं। तो अभी इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए ये दोनों हमने चाक खोल ली हैं। चाक खोलने के बाद पैप को बाहर, तो जी पैप को बाहर निकालने के बाद हमें दूसरी साइड से इसकी चूड़ियाँ बनाई। तो चूड़ियाँ के लिए हमने पैप को मशीन के अंदर डाल दिया है और ये पीछे वाला चाक हमने बंद कर देना है। तो आगे वाले चाक को थोड़ा सा चोट लगानी है या ज़रा ज़ोर की मदद से इसको हमने टाइट करना है, क्योंकि इसमें ये हैमर का चाक होता है, तो जो हैमर की मदद से एक चोट की मदद से बंद होता है। तो अभी देख रहे हैं कि दोबारा हमने चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। ये पावर की वजह से थोड़ी सी मशीन रुक गई थी, पावर बंद हो गई थी। अभी मैं आपको करीब से इसको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चूड़ियाँ बना रही है। अभी दिखाता हूँ कि कैसे हमने फिक्स किया ये। अब जैसे ही चूड़ी अपनी एक ख़ास लिमिट पे आएगी तो ये डाई ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में अभी देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली डाई ओपन हो गई है। चूड़ियों को हमने साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद दोबारा हम इसको ऐसे ही परमाटेक्स वगैरह लगा देंगे। परमाटेक्स और जूट इसको लगा के हम अपनी फिटिंग लगा देंगे इस पर।